जी फरमाए, कैसे आना हुआ? दरअसल थोड़ा इशू आ रहा है इसकी प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंट नहीं हो रही है ये। शादी को कितना वक्त हो गया है? बहुत दिन हो गए हैं। 2 महीने। 2 महीने? इतनी जल्दी क्या है? कम से कम शादी के 1 साल तक इंतजार करना चाहिए, फिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। 2 महीने का वक्त तो बहुत कम है। लड़कियां तो शादी के फौरन बाद ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर ये क्यों नहीं? ये तो सब अल्लाह की तरफ से, लेकिन हम फिर भी एडवाइस करते हैं कि कम से कम 1 साल का टाइम जरूर दिया जाए। चल, आपकी उम्र कितनी है सानिया? 20 साल। सही सही बताओ, डॉक्टर से थोड़ी छुपाते हैं। आई थिंक ये आपका पर्सनल मैटर है, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ। एज को 30 ही लिख देते हैं। सामिया, कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, आप वो प्लीज़ ज़रूर करवा लेना। कुछ दवाइयाँ भी लिख के दे रही हूँ, वो आप फ़ौरन स्टार्ट कर लेना, ठीक है? और बस दुआ करो कि अल्लाह आपको नेक और सेहतमंद औलाद दे। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ मुझे ये बताएं कि ये प्रेग्नेंट हो तो जाएगी ना, मुझे खुशखबरी तो मिल जाएगी ना? बिल्कुल, इंशाल्लाह। बस आप अल्लाह से दुआ करें, और ये टेस्ट में लिख के दे रही हूँ, ये ज़रूर करवा लें, ठीक है? और रिजल्ट्स मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं अपना नंबर भी लिख देती हूँ, ठीक है? शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। ये डॉक्टर ने तुम्हें टेस्ट लिख के दिए हैं, ये करवा लेना याद से, और दवाइयाँ भी शुरू कर देना। अल्लाह कोई मौजा ही कर दे बस। मैं चाहती हूँ कि मेरे अरसलान की औलाद हो और औलाद की खुशियाँ देखे। इस तरह खामोश क्यों हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कोई जवाब तो दो। जो अल्लाह के काम होते हैं वो अल्लाह के लिए छोड़ते हैं। अल्लाह के हुक्म के बगैर ना कोई इस दुनिया में आ सकता है ना कोई जा सकता है। मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। तुम अगर मेरे अरसलान को औलाद दे सकती हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई और दे देगा। करमी, तबसम, पानी पिला दो। जी लीजिए पानी। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? आज ताया जान दुकान पर आए थे, दुकान पे ताला लगाया और चाबी लेकर अपने साथ चले गए। कह रहे थे कि शहजादी से शादी करो वरना पैसे वापस करो। क्या कहूं आपकी इस हरकत पर? आखिर बताएं तो सही, कितने पैसे ले चुके हैं, कितने जाया कर चुके हैं, कितने बचे हैं? उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे जो दुकान की तजीनो आराइश पर खर्च हो गए। उसके बाद फिर दुकान के महीने का किराया, बिल वगैरह वो भी देना है। लेकिन ताया ये कह रहे थे कि वो मुझसे पूरे 30 लाख रुपए वसूल करेंगे। ऐसे कैसे वसूल करेंगे भाई? बड़े मियाँ पागल हो गए हैं क्या? वो पागल हो गए ये तो नहीं मालूम, लेकिन हमें जरूर पागल कर देंगे।